दोस्तों, जंगल में एक छोटी सी चिंगारी लगने से पूरा जंगल तबाह हो जाता है। वहां पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर सब कुछ झलकर नष्ट हो जाते हैं। तो आप अपने शरीर के अंदर लगी हुई चिंगारी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दोस्तों, खाना बनाने के लिए हमें आग की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन अगर गलती से वह आग पूरे रसोई घर में फैल तो वह आपके साथ साथ आपके पूरे घर तबाह कर देती है। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आपके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ी हुई रहती है तो वह आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे नष्ट कर रही होती है और आपको पता भी नहीं रहता है। दोस्तों, शरीर में अग्नि का होना जरूरी है क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को मजबूत करती है, मेटाबॉलिज्म के लिए और शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए यह भी जरूरी है। लेकिन यदि हमारे शरीर की गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरे का कारण बनती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है तो आपको इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आपको बहुत पसीना आएगा, पसीने में बदबू बहुत ज्यादा होगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, ऐसा मन करेगा कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे, धूप बर्दाश्त नहीं होगी, धूप में अगर जाना पड़े तो चेहरा लाल हो जाएगा या फिर रेसेस पड़ जाएंगे। यदि आपके शरीर में कहीं पिगमेंटेशन हो रहे हैं, जैसे छोटे छोटे काले दागों का हो जाना, फोड़े फूंसियां निकल आना या हथेलियों से और पैरों के तलवों से गर्माहट का एहसास होना, आंखों में जलन होना, यह सब यह दर्शाते हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही बालों का समय से पहले सफेद होना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ब्लडिंग होना या शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लडिंग हो होना, जैसे पाइल्स में खून आना, नाक में नकसीर आना, ये सब शरीर की गर्मी बड़े होने के कारण होता है। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टी डकार आती है, मुंह में छाले होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में इंसान को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि यह सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई दे। इनमें से दो तीन लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। और अगर हमारे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम कर दें तो हमारे शरीर की यह सारी की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर की भी गर्मी बढ़ी हुई है तो इसे आप आसानी से खत्म कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के, बिना पैसे खर्च किए। आज मैं आपको इस कहानी में 5 ऐसे आसान से तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल कर आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपकी सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पर्वत पर एक गुरु निवास करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक दिन वह नगर में भिक्षाटन के लिए जाते हैं और वहां उस नगर में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और लोगों को उपदेश देने लगते हैं। तभी उस भीड़ में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु से कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत ही दिनों से कुछ परेशानियां हो रही हैं, कृपया मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उस युवक से पूछते हैं, बोलो बेटा, आपको क्या परेशानी है? तब वह युवक कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है और मेरे हाथों पैरों में जलन रहती है, मेरे शरीर पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं, आंखों में जलन रहती है और मेरे बाल समय से पहले ही सफेद हो चुके हैं, कभी कभी अचानक से मेरे नाक से खून बहने लगता है। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, यह सारी चीज तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है। गुरु की बात सुनकर युवक उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मुझे आप इसका कोई उपाय बताइए ना, ताकि मैं इन परेशानियों से छुटकारा पा सकूं को। तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम शांति से बैठ जाओ। फिर वह गुरु सारी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको 5 आसान से तरीके बताऊंगा जिससे आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई जो है वह कम हो जाएगी, आपके शरीर से गर्मी निकल जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि शरीर की गर्मी बढ़ने का मतलब शरीर में पित्त दोष का असंतुलन होना होता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि आप यह समझो कि यह गर्मी बढ़ती क्यों है। एक तो मौसम की वजह से, और गर्मियों में यह दिक्कत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा भी गलत खान पान से, स्मोकिंग करने से, कोल्ड ड्रिंक और शराब से, इसके अलावा तनाव लेने से भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चाहे आप कितनी भी क्रीमी लगाकर इसे ढकने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन यह सब लक्षण रहेंगे। पर आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको 5 असरदार तरीके बताऊंगा
जिससे आपके शरीर की गर्मी जो है वह जड़ से कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि सबसे पहली चीज गोंद कतीरा देखो। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके शरीर की गर्मी कम करने में बहुत ज्यादा असरदार है तो वह है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गर्मी में पेड़ के तने से प्राकृतिक रूप से निकलता रहता है और यह जब निकलता है तो चिपचिपी गोंद जैसा सा होता है लेकिन बाद में सूख जाता है, जिसे हम आसानी से किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में अच्छे से समझो। गोंद कतीरा के 4-5 दाने पानी में भिगो देने हैं और भिगोने के बाद लगभग 2-3 घंटे में ही फूल कर यह काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद आप इसे नींबू पानी में मिलाकर पी लो। देखो, नींबू पानी तुरंत अंदर की गर्मी को कम करता है, लेकिन अगर आप इसे एक चम्मच गोंद कतीरा के साथ डाल लो तो वह शरीर में गर्मी बढ़ने ही नहीं देगा। आपने कभी अगर ठेले पर शिकंजी पी हो तो आपने देखा होगा कि लोग गर्मियों में नींबू पानी में गोंद कतीरा डालते हैं। देखो, चरक संहिता के अनुसार गोंद कतीरा शरीर को गर्मी से बचाने का बहुत ही असरदार तरीका है। यह इतना ठंडा होता है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया जाता है और इसके फायदे यहीं तक नहीं है। गोंद कतीरा का एक चम्मच अगर आप रोज खाने लग जाओ तो आपका शरीर ठंडा तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपका लीवर भी ठीक रहेगा, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और चेहरे पर तेज आ जाएगा। आप इसे किसी भी शरबत में, नींबू पानी में या फिर सोने से पहले दूध में डालकर भी पी सकते हैं। गोंद कतीरा का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, इसीलिए आप इसे दूध में, नींबू पानी में या फिर शरबत में मिलाकर पी सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गोंद कतीरा का फायदा आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। जैसे अगर गर्मी से आपकी आंखें जलती हो, आंखें लाल हो रही हो, तो ऐसे में गोंद कतीरा को लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाकर 10 मिनट के लिए लेट जाए। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा और आपकी आंखों की जलन जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गोंद कतीरा को आंखों पर रोज लगाने से डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गोंद कतीरा को अपने सिर पर और अपने पैरों के तलव पर लगाते हो और 20 मिनट तक छोड़ देते हो और आराम करते हो तो शरीर की गर्मी बाहर निकलने लगती है। गोंद कतीरा का 100 ग्राम पाक आपको 30 रुपए में किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। यह इतनी सस्ती चीज है और गर्मियों में इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि देखो, आपको गोंद कतीरा ही खरीदना है, गोंद नहीं, क्योंकि दिखने में दोनों एक समान होते हैं लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि गोंद का प्रयोग हम सर्दियों में लड्डू बनाने में करते हैं, जबकि गोंद कतीरा ठंडा होता है और गोंद पानी में डालने से फूलती नहीं है, लेकिन गोंद कतीरा पानी में डालने से फूल जाता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि दूसरी चीज सर को ढकना है। देखो, आपने कड़ी धूप में मजदूरों को काम करते हुए तो देखा ही होगा, भले ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े ना हो लेकिन उनकी एक चीज जरूर होती है कि वह अपने सर को हमेशा ढक कर रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें गर्मी का असर नहीं होता है, सिर्फ सर को ढकने से वह लोग गर्मी से, त्वचा की एलर्जी से, नाक में खून आने से, बालों को झड़ने से रोक लेते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य एक प्राकृतिक डॉक्टर है, लेकिन अब प्राकृतिक प्रदूषण के चलते ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सुबह 11 बजे के बाद तेज धूप में जहरीली किरण पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है। इस समय जब सूर्य की किरणें हमारे नंगे सिर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, तो उससे हमारे पूरे शरीर में गर्मी का असर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर धूप में नंगे सर जाते हैं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और ओजस्वी शक्ति घटती है। अगर संभव हो तो गर्मियों में 11 से लेकर 4 बजे तक घर के भीतर ही, लेकिन अगर बाहर जाना पड़े तो सर को ढक कर जाए। आप सर को ढकने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने सर को ढक लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर गर्मी का ज्यादा असर नहीं होगा। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि गर्मियों में नहाने के लिए गर्म पानी का परहेज करें, क्योंकि बहुत से लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। गर्म पानी से नहाने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन गर्म पानी को गर्मियों में सर पर कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है और बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं। बालों में डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। गर्मियों में शरीर की गर्मी को ठीक करने के लिए आप ठंडे पानी से ही स्नान करें। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर ले। लेकिन मोटी मोटी बात तो यह है कि आपको आपके सर को गर्मी से बचाना है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि तीसरी चीज ठंडे पेय पदार्थ है। शरीर की गर्मी जब बढ़ती है लेकिन ऐसे में हम लोग पीते क्या हैं?
हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे स्प्राइट, कोको, कोला, पेप्सी, लिमका, या बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं जैसे कि स्टिंग। ये सारी कोल्ड ड्रिंक रिफाइंड चीनी से भरी हुई कार्बोनेट ड्रिंक्स है जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को चूस लेती है। ये सिर्फ कहने को कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन हकीकत में इनमें इतनी एसिडिटी होती है कि पेट का पूरा पीएच बैलेंस बिगाड़ देती है। इन कोल्ड ड्रिंक को पीने का मतलब ऐसा है कि आप आग बुझाने के लिए घी का प्रयोग कर रहे हैं। इनको पीने से आपको एसिडिटी होगी, पेट में अल्सर हो सकता है, इसीलिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आप सच में ही शरीर की गर्मी को कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पदार्थ पिएं, जैसे गन्ने का जूस। यह आपको हर जगह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। 20 रुपए का एक गिलास तासीर में ठंडा होने की वजह से शरीर की गर्मी को कम करने का एक पौष्टिक और प्रमाणित तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार लिवर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए इसे औषधि के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से मीठा है, इसलिए इसे डायबिटिक लोग भी पी सकते हैं। आप रोजाना एक गिलास ताजे गन्ने का जूस पीना शुरू कर दो। उसमें नींबू डाल दो, पुदीना डाल दो। इसमें आपको बर्फ नहीं डालनी है, यह आपको बहुत ही ज्यादा ठंड करेगा। दूसरा ठंडा पेय पदार्थ है नारियल पानी। यह आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। इसके साथ ही नारियल पानी पीने से शरीर के अंदर की पथरी यूरिन के रास्ते बाहर आती है, ब्लड शुगर नीचे आती है और चेहरे पर पिंपल को भी यह ठीक करता है। अब ऐसा पेय पदार्थ इसमें जबरदस्त न्यूट्रस इलेक्ट्रोलाइट एंटीऑक्सीडेंट हो, उसका मुकाबला यह कल की आई कोल्ड ड्रिंक कैसे कर सकती है। इसके अलावा आप चूने का सत्तू या फिर जो का सत्तू किसी किराने की दुकान से खरीद लो। इसमें पानी मिलाकर, चाहे आप इसे नमकीन बना लो या फिर मिश्री डालकर, चाहे आप इसे मीठा बना लो, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा और शरीर को ठंडक भी मिलेगी। फिर वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि पैरों की मालिश करें। देखो, हमारे शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा हमारे पैरों के तलवों से निकलती है। आप देखना, जिसके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी उसके पैर जलने शुरू हो जाएंगे, उसके पैरों से बदबू आती है। लेकिन जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की जड़ हमारे पैरों में है। वहां अगर मालिश कर ली जाए तो सारे शरीर की गर्मी निकल जाती है। आयुर्वेद के इस नियम को वैज्ञानिक भी मानते हैं। अगर आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर घी, इन तीनों में से किसी भी एक तेल से पैरों के तलवों की मालिश करते हैं तो इससे आपका शरीर ठंडा होगा और साथ ही साथ आपका दिमाग भी ठंडा होगा। रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धो लें और फिर इन तीनों में से किसी एक तेल से अपने तलवों की मालिश करें। आप एक दिन भी यह करके देखेंगे तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन अगर आप इसके और भी अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको इस मसाज को कांसे की कटोरी से करना चाहिए। दोस्तों, कांसा एक धातु होता है जो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण है। पुराने समय से ही इसके बर्तन बनते आए हैं। कांसा धातु की कटोरी आपको किसी भी बर्तन की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। कांसे की कटोरी से पैरों के तलवों की मसाज करना आयुर्वेद में शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने का रामबाण इलाज है। आपके शरीर की गर्मी से रिलेटेड कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर चाहे पाइल्स हो, पेट में अल्सर हो, लिवर में गर्मी बढ़ गई हो, स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपके शरीर में कितनी भी गर्मी हो, वह इससे बाहर निकल जाएगी। जब आप अपने पैरों के तलवों की मसाज कांसे की कटोरी से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कितनी गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि तेल लगाकर जब आप अपने पैरों के तलव की कांसे की कटोरी से मसाज करोगे तो गर्मी के अनुसार आपका पैर काला होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा पैर आपका काला होगा उतना ही समझो कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा थी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि यह गर्मी आपके शरीर से निकल रही है दोनों पैरों पर। अगर आप दो दो मिनट भी मसाज कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्दी असर दिखाई देगा। जब आप पैरों की मसाज करके फ्री हो जाएं तो उसके बाद आपको अपने पैरों को किसी रुमाल से पोंछ लेना है। जब आप पैरों की मसाज करके सोएंगे तो आपकी पूरी थकान समाप्त हो जाएगी। आप रोजाना मसाज नहीं कर पाओ तो आपको जब भी समय मिले तब आप कर सकते हैं। आपके पास कांसा कटोरी नहीं है तो आप हाथों से भी मसाज कर सकते हैं। फिर वह गुरु उन्हें पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है या शरीर में बड़ी हुई गर्मी छूने से भले ही ठंडा लक्षण नजर आता है, पर सबसे पहले शरीर में गर्मियों में मिट्टी का मटका अवश्य इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ मिट्टी के घड़े में जमा किया हुआ पानी जो प्राकृतिक रूप से शरीर के लिए ठंडी होता है, और मजे की बात इसके साथ ही इसमें मिनरल्स बहुत ठंडा होता है कि जिससे प्यास बुझती है, लेकिन गला कभी खराब नहीं होता है। वहीं अगर फ्रिज का पानी आप पी लेते हैं
तो कहीं बार उससे आपका गला भी खराब हो जाता है। इसके साथ ही मटके के पानी में साधारण पानी से एल्काइन ज्यादा होता है और इसमें मिनरल्स भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। मिट्टी का घड़ा पुश्तों से चला रहा है, आप पानी को मिट्टी के घड़े में रात भर भर के रख दो, सुबह उठकर इसे पियो। यह आपकी गैस की समस्या और एसिडिटी के लिए दवाई का काम करेगा। आजकल तो दुकानों पर भी मिट्टी की बोतल, गिलास, खाना बनाने के बर्तन सब कुछ मिलने लगे हैं। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी पीने से आपके शरीर की गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप मिट्टी के बर्तन को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी और धातु के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है और शरीर की गर्मी को कम करने वाला भी होता है। आप गैस पर भी मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। देखो, यदि शरीर की गर्मी बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं, तो यह 5 चीजें अवश्य करें। गोंद कतीरा खाए, धूप में निकले तो सर ढककर निकले, कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पेय पदार्थ पिए, रात को सोने से पहले पैरों के तलव की मसाज करें और पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। बहुत ही जल्दी आपको अब की सा समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। फिर वह गुरु अपना उपदेश समाप्त करके वापस अपनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं और नगर के लोग भी अपने अपने घर को लूट जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।